देखिए बच्चों का डिनर चल रहा है आज डिनर में। दिखे थाका मम्मी दिखे थाका एदिके ताकिए बोलो मम्मी के। मम्मी उसका बैग रेडी हो गया है, उसका सॉक्स भी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रिमिस फैमिली। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और आप सबका ईद बहुत अच्छे से गया होगा। और इस ईद में मतलब बकरीद में बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर रहता है, दिन भर काम करते करते कब टाइम बीत जाता है पता ही नहीं चलता है, सुबह से शाम कैसे हो जाता है बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। और इस काम में जिदान के पापा से काफ़ी डांट सुनना पड़ता है, बिकॉज जिदान के पापा बोलते रहते आप काम ख़त्म कर लो क्योंकि रात हो गया है, लेकिन काम नेक्स्ट डे के लिए बचाव रहता है। एवरी डे ऐसा ही हो रहा है। फिर भी काम के बीच फ्री होकर के अभी आए मेनंद के घर और यहाँ पर देखिए कितना मेसी होकर है, क्योंकि आज स्पेशल आइटम बन रहा है और ये आइटम हम लोगों को सबको बहुत ज़्यादा ही पसंद है। सिर्फ आई थिंक हम लोगों को नहीं पसंद होगा, आप सबको भी पसंद होगा। यहाँ पर देखिए फ्राई हो रहा है, मीट फ्राई, सलाद एंड पोटैटो बॉयल और ब्रेड। और ये जो आइटम है स्पेशल आइटम है, हम सब के लिए काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखिए प्लेट में कितनी अच्छी तरह से अरेंज हो गया है। हाँ, ब्रेड नहीं हुआ, ये जो ब्रेड है ब्रेड में बटर ऐड होगा और कुछ बॉयल्ड पोटैटोस को छीलना भी है। और इस नेहा आई हुई थी, अब उसका जाने का टाइम हो गया है और हानिया बिल्कुल भी टाटा नहीं बोल रही है, मतलब हम लोग को बाबा नहीं बोलेगी ऑन कैमरा में। देखिए बच्चों का डिनर चल रहा है आज डिनर में थोड़ा सा स्पेशल आइटम है। मम्मा कैसा टेस्टी? हेलो इजन टेस्टी? हेलो बाबू इधर थाको, मम्मी इधर थाको, एदिके ताकिए बोलो मम्मी के। टेस्टी इजन को टेस्टी लगे बेटा, फिर से देखो, फिर से देखो मम्मा टेस्टी। ओके आयजा कैसा है, टेस्टी है? ओके आर्श कैसा है? जिदान टेस्टी? आज थोड़ा सा डिफरेंट डिनर है, वेरी टेस्टी। बच्चों का डिनर कंप्लीट हो गया है, अब हम लोग बैठेंगे डिनर करने। और डिनर में देख ही पा रहे क्या क्या है, ब्रेड है, एग बॉयल, उसके बाद सलाड्स है एंड ये देखिए मीट फ्राई, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मतलब डिनर ऐसा फील होता है हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट ही कर रहे हैं। नॉर्मली हम लोग का डिनर में होता है चपाती नहीं तो राइस, इस तरह से हम लोग डिनर करते हैं विद वेजिटेबल्स, बट आज थोड़ा सा डिफरेंट वे से डिनर हो रहा है। ऐसे नॉर्मली हर साल ही होता है बकरीद के बाद, तो हम लोग ये स्पेशल ट्रेडिशन को कभी भूलते नहीं है। जैसे शब बारात के बाद एक जैसे रस्म टाइप का होता है हलवा, ठीक उस तरह से हम लोग का डिनर भी हो रहा है आज का। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जिदान का स्कूल स्टार्ट हो गया है और जिदान के लिए अभी सूजी का हलवा प्रिपेयर हो रहा है। तो सबसे पहले पैकेट को अनपैक कर लिए, अब पैकेट ओपन करते ही देखिए यहाँ पर डाल दिए, तब इजी होगा। और आज सूजी का जो हलवा है थोड़ा सा डिफरेंट वे से बनाना है, गुड़ से। तो गुड़ बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और बच्चों के लिए बनाया जा रहा है तो बेटर होगा हम लोग अगर गुड़ यूज़ करेंगे। तो सूजी का हलवा में गुड़ ऐड करने से क्या होगा ना, कलर भी बहुत अच्छा आएगा और हेल्दी सा आइटम भी आपको मिलेगा। तो इस तरह से देखिए अब सूजी प्रिपेयर हो रहा है और अभी टाइम हो रहा है 7 o'clock अर्ली इन द मॉर्निंग। मेरा हमेशा इसी टाइम में जिदान के लिए रोटी और सूजी का हलवा सारा प्रिपेयर हो जाता है। सिर्फ जिदान का ही नहीं, जिदान के साथ साथ हम सब का नाश्ता भी रेडी हो जाता है। हाँ हम लोग थोड़ा सा लेट नाश्ता करते हैं, संग नाश्ता नहीं करते, बट नाश्ता प्रिपेयर थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। ये देखिए सूजी को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे और रोस्ट करने के बाद मिल्क ऐड करने से ज़्यादा बेटर होता है, बट क्या हुआ ना मेरे पास मिल्क बॉयल नहीं है और कच्चा मिल्क ऑब्वियसली ऐड नहीं करेंगे, तो इसीलिए थोड़ा सा पानी ऐड कर लिए थे। और
ये जो गुड़ है मेरे पास थोड़ा सा बचा हुआ था, ये गुड़ भी ऐड कर दिए। काफी टेस्टी बना था, मतलब बच्चों को पसंद आया था। ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है और ब्रेकफास्ट रेडी के साथ साथ जिदान भी रेडी हो गया। उसका मूड थोड़ा सा खराब है और ऑब्वियसली होगा, ये अर्ली मॉर्निंग में बच्चों को उठना पड़ता है, थोड़ा सा मूड तो ऑफ रह गई। तो जिदान को इधर उधर का बात करते हुए उसका टाइम पास करना पड़ता है और उसका ब्रेकफास्ट भी कम्प्लीट हो जाता है इस बीच में। तो इस तरीके से जिदान को क्या पसंद है नहीं पसंद है, मॉर्निंग के टाइम उसका डिमांड के हिसाब से बनाने की कोशिश होता है मेरा, क्योंकि वो बिल्कुल भी डिमांड नहीं करता है, उसको समझ में नहीं आता वो क्या डिमांड करेगा। उसको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने की मूड में बिल्कुल भी जिदान नहीं रहता है। देखिए ना किस तरह से मुंह बना करके वो खा रहा है, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। बस सामने उसके पापा बैठे हुए हैं, उसी डर से वो अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर रहा है। तो जिदान का बैग्स रेडी है, बस सॉक्स अभी तक वो पहना नहीं। तो इस तरीके से हम दोनों मिल करके जिदान का वेकेशन के बाद जिदान का क्लास होगा ना बेटा। तो जिदान अभी सोया हुआ है। हाँ, जब जिदान जा रहा था तो उसी टाइम ईजान का नींद खुल गया और रोना धोना लगा दिया। ईजान को फिर से सुला दिए और अभी देखिए ईजान का मॉर्निंग हो चुका है। ईजान का मॉर्निंग थोड़ा सा लेट हुआ, ईजान फ्रेश भी हो गया है और अभी वो अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर रहा है और देखिए वो खेलने में बिजी है। इस तरीके से वो खेलेगा और माशाल्लाह एक अच्छा आदत दोनों का हुआ, दोनों बच्चों का मोबाइल देखने का आदत माशाल्लाह उतना ज़्यादा और नहीं रहा। हाँ, ईजान फ्रेश हो गया बट उसके बाद भी उसको गर्मी लग रहा है, तो इसीलिए वो इस रूम में ही ब्रेकफास्ट करेगा बिकॉज एसी ऑन रहता है। ईजान को ब्रेकफास्ट करवाते ही मेरा कुकिंग का काम एंड क्लीनिंग का काम थोड़ा सा बचा हुआ है, तो वो कंप्लीट करते ही मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। और आज मेरा ट्यूशन ऑफ है, बस है एक क्लास देना है, मतलब एक स्टूडेंट को। तो ये देखिए अब इवनिंग का वीडियो है, मतलब जिदान स्कूल से रिटर्न आ गया है, लंच भी कर लिया और अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है। बिकॉज अभी अगर प्रेशर देंगे जिदान पढ़ाई करो तो कैसे होगा, बोलिए, थोड़ा सा रेस्ट तो चाहिए। तो इसीलिए जिदान और बच्चे अभी खेल रहे हैं, मतलब खेलने में बिजी है। फिर भी अच्छा है, मोबाइल देखने से तो बेटर है, उन लोग कोई ना कोई टॉयज लेके बिजी रहे। तो अभी देखिए जिदान का क्या क्या स्कूल में हुआ पढ़ाई, वही अभी चेक हो रहा है मेरा, क्योंकि चेक नहीं करने से क्या होता है ना, कुछ समझ में नहीं आता। तो जिदान एक क्या क्या भी बता रहा है। जिदान तो स्कूल से आने के बाद बिल्कुल भी पढ़ाई के मूड में रहता नहीं है और उसके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से वो सारा वर्क कम्प्लीट कर लिया, क्लास वर्क कम्प्लीट कर लिया। तो वही चेक हो रहा है वो क्या क्या इनकम्प्लीट हो रहा है या क्या प्रॉब्लम हुआ जिस रीज़न से लिख नहीं पाया, या फुल्ली कंप्लीट हुआ है या नहीं, सारा चेक करना पड़ता है। एवरीडे मेरा स्कूल खुलने के बाद ये ड्यूटी होता है और अगर कुछ अगर इनकम्प्लीट हो जाता है रह जाता है तो कंप्लीट करवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहता है। बच्चों के स्कूल खुल जाने के बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता पेरेंट्स के पास अपने लिए, तो अभी वो ड्यूटी स्टार्ट हो गया है फिर से। तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताएगा कमेंट्स में। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलेंगे और एक न्यू व्लॉग में।